तो अभी मैं जो कुछ फोटोज हैं वो मैनुअल मोड में ले रहा था, एंड आई रियलाइज कि क्यों ना आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इसी बारे में रखा जाए कि जब हम मैनुअल मोड से शूट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को शायद कुछ इश्यूज आते होंगे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं मैनुअल मोड पे शूट करते हुए, जो प्रोसेस है उसको और सिंप्लीफाई करना। और कई बार अगर आपको लगता है आपकी फोटोज़ में शेक आ रहा है, एक्सपोजर सही नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, सबसे बड़ी दिक्कत हमें मैनुअल मोड में क्या आती है कि जब हम शूट कर रहे हैं, एक बार हमने एक्सपोजर सेट किया, उसके बाद हल्का सा लाइटिंग चेंज हुआ है, सीन चेंज हुआ, तो जो हमारा एक्सपोजर है ना वो बहुत जल्दी चेंज होता है। तो एक ट्रिक जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैं कई बार यूज़ कर लेता हूँ, वो है कि जो ISO है ना, ज़रूरी नहीं हमेशा उसको मैनुअल पे रखना है। मैं बहुत बार क्या करता हूँ, ISO को जाके ऑटोमेटिक पे सेट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, अब जब मैं अपना फ्रेम सेट कर रहा हूँ या जब मुझे फ़ोटो लेनी है, तो अब मुझे सिर्फ दो चीज़ें एडजस्ट करनी है, जो कि है एपर्चर और शटर स्पीड। अब इससे ना प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाता है। क्यों? बिकॉज मुझे सिर्फ शटर स्पीड और एपर्चर को मैनेज करना है। और अगर मुझे बहुत क्लियर है कि जैसे अभी मैं लैंडस्केप फ़ोटो ले रहा हूँ, एफ मेरा 8 पे सेट है, तो अब मुझे सिर्फ शटर स्पीड को कम ज़्यादा करके एक्सपोजर को मैनेज करना है। तो जो तीन चीज़ें एडजस्ट करने वाली चीज़ थी, अब वो सिर्फ मेरी दो पे रह गई हैं। एंड एज लॉन्ग एज आप मैनुअल मोड में क्लियर हो, तो ISO ऑटो करके जो प्रोसेस है शूटिंग करने का, आई एम होपफुल कि वो जो आपका है, आप जब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे तो काफ़ी फास्ट और स्पीडी बन जाएगा। अब मैनुअल मोड में जो सेकंड मिस्टेक मैंने बहुत कॉमनली यूज़ होते हुए देखी है, वो ये है कि जब हम लेट्स सपोज पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं जहाँ पे इतनी ब्रॉड डे लाइट है और हमारी शटर स्पीड जो है, हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई 1/2000 या 1/4000 रहेगी, तभी शार्प पोर्ट्रेट्स आएंगे, नहीं तो शेक आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप लेट्स सपोज आप पोर्ट्रेट भी शूट कर रहे हो ना, मैं कहूँगा कि 1/500 पे भी अगर आप आ जाते हो, या 1/250 पे भी, और आपका जो मॉडल है वो इतना मूवमेंट में नहीं है, तो भी आप बहुत ईजिली पोर्ट्रेट शार्प शूट कर सकते हो। तो अभी जो हम पोर्ट्रेट ले रहे हैं उसमें शटर स्पीड हमने 1/2000 रखी है, और अभी जो ISO हमारा जा रहा है वो ISO कितना जा रहा है, 8000। तो अभी हमारा ISO 8000 जा रहा है 1/2000 ऑफ अ सेकंड पे। तो एक काम करते हैं, 1/2000 से 1/500 पे लेके आते हैं और फिर देखते हैं हम ISO को कितना नीचे लेके आ सकते हैं। ओके, तो अब जो हम दूसरा पोर्ट्रेट ले रहे हैं उसमें हमने क्या किया, शटर स्पीड 1/500 कर दी, तो दो स्टॉप से लाइट ज़्यादा अंदर आ गई, इसलिए जो अब हमारा ISO 8000 पे था वो सीधा 2000 पे आ चुका है। तो 8000 से 2000 इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, और अगर मैं जूम करके आपको नॉइस लेवल में डिफरेंस दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपको हल्का डिफरेंस ज़रूर दिखेगा। तो ये फ़ायदा है अगर आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो। अभी तो हमने एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन ली है ना, तो इस तरीके से आप भी जब आउटडोर शूट करोगे, यू कैन सी द चेंज कि शटर स्पीड अगर आप हल्की सी स्लो कर देते हो ना, अगर सब्जेक्ट ज़्यादा मूव नहीं हो रहा, इस सिचुएशन में 1/200 भी कर सकते थे, तो उस तरीके से आप अपने ISO को नीचे ला सकते हो। अब जब हम मैनुअल मोड सीख रहे होते हैं ना, हमें कई बार बोला जाता है कि भाई जो एक्सपोजर स्केल है उसको जीरो पे रखना है, हल्का सा भी लेफ्ट राइट नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जो हमारी फ़ोटो है उसका एक्सपोजर कम या ज़्यादा हो जाएगा। ये कई सिचुएशंस के लिए सही है। मान लेते हैं जब आप लैंडस्केप शूट कर रहे हो, पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो, आप एक नॉर्मल सिचुएशन में हो, वहाँ पे एक्सपोजर स्केल जीरो पे रखना इट टोटली मेक सेंस। बट अगर आप कुछ क्रिएटिव शूट करना चाहते हो, आप चाहते हो जो बाकी लोग वहाँ शूट कर रहे हैं उससे कुछ अलग निकल के आए, जैसे कि सिल्वेट फोटोग्राफी। अब सिल्वेट फोटोग्राफी में बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप जब सिल्वेट फोटोज़ ले रहे हो इस तरीके की, आपका जो एक्सपोजर स्केल है ना, आप उसको एकदम माइनस की तरफ लेके चले जाओ, -3, -4 जब जाएगा ना, तब आपको सिल्वेट दिखना शुरू होगा, तो वहाँ पे आप जीरो नहीं रख सकते, अदरवाइज सिल्वेट बनेगा ही नहीं। तो अभी आप जैसे देख रहे हो, मैं यहाँ पे कुछ बर्ड्स ऊपर बैठी हूँ, मैं उनका सिल्वेट फोटो ले रहा हूँ। तो आप देखो, अगर मैं एक्सपोजर स्केल को जीरो पे रख के फोटो लूँगा ना, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आएगा, तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा। अब इसमें क्या होगा, एक्सपोजर स्काई का थोड़ा सा ओवर एक्सपोज आएगा, और मैं चाहता हूँ कि भाई एकदम सिल्वेट आए, मेरा जो फोरग्राउंड है वो एकदम डार्क दिखे। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी शटर स्पीड को जो अभी 1/2500 है, मैं इसको इंक्रीज करके 1/8000 के आसपास ले जाऊँगा, और एपर्चर भी हल्का सा बढ़ा दूंगा, बिकॉज मुझे और डार्कनेस चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं फ़ोटो लूँगा तो इस तरीके से, अगर आप कंपैरिजन करोगे, यू कैन ईजिली सी, जो हमने इंटेंशनली जब मैं एक्सपोजर स्केल को चेंज करा, मैंने फ़ोटो को डार्क करा, स्केल को जीरो पे ना रखते हुए, मैंने अभी भी जो उसको -3 से भी कम रखा है, तो मेरा एक्चुअल सिल्वेट निकल के आया है। इसी तरीके से अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हो, वहाँ पे क्या होता है, बहुत डायनामिक सीन है, सनसेट हो रहा है, हाईलाइट्स भी हैं, शेडोज़ भी हैं, तो एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, जब आप हल्का सा -1 की तरफ अगर आप शूट करोगे ना, इट इज़, मैंने खुद भी देखा है कि जब मैं उसको एडिटिंग में लेके जाता हूँ तो मैं अपने जो शैडोज़ है ना उनको इजीली रिकवर भी कर पाता हूँ, और जो हाइलाइट्स हैं वहाँ पे मेरा एरिया जो है वो ओवर एक्सपोज नहीं होता, कहीं ना कहीं वो हिस्टोग्राम की रेंज के अंदर आ जाता है। तो अगर आप बहुत डायनामिक सीन शूट कर रहे हो, लाइक सनसेट सनराइज, उस टाइम आप हल्का सा -1 की तरफ शूट कर सकते हो, ट्राई करके देखना, कंपेरेटिवली काफ़ी इफेक्ट आपको दिखेगा।
अब अगर आप लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ लेते हो ना, मैं एक बहुत सिंपल सा हैक आपको बताता हूँ जो मोस्ट ऑफ द कैमराज में अवेलेबल होता है, और वो होता है ISO की लिमिट सेट करना। आप अपने कैमरा के अंदर कैमरा को बता सकते हो कि भाई अगर मैं शूट कर रहा हूँ और मेरा ISO ऑटो पे है तो वो एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर, मान लेते हैं कि 3200 के ऊपर ISO ना जाए। वो कैसे हो सकता है, आप सिंपली मेन्यू में जाके देखना, कैनन में ISO सेटिंग्स, ISO स्पीड सेटिंग्स करके ऑप्शन होता है, अगर आपको मिलता है देन इट्स गुड। कहीं कैमराज में शायद अवेलेबल ना हो, स्पेशली एंट्री लेवल कैमराज में। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मेन्यू में अंदर जाके मुझे ऑप्शन मिलता है, मैं ISO स्पीड रेंज को सेट कर सकता हूँ। मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डाल सकता, मान लेते हैं मिनिमम मैंने 100 पे रख दी जो मैं ऑब्वियसली चाहूंगा, और मैक्सिमम मैं चाहता हूं 3200 से ISO ऊपर ना जाए, तो मैंने सेट करके ओके कर दिया। अब जब मैं शूट कर रहा हूंगा ना, मैं मेरा कैमरा ट्राई करेगा मेरा जो ISO है वो 3200 से ऊपर ना जाए, और वहाँ पे जो मेरी लो लाइट में फोटोज हैं उसमें नॉइस इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में, आप उसको 800 भी कर सकते हो, 12000 के ऊपर भी ले जा सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। और ये कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा कंट्रोल देता है अपनी सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए इन मैनुअल मोड। तो अभी जब हम शूट कर रहे थे हमें लग रहा था लास्ट आइडिया क्या रखना चाहिए, तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली और वहाँ पे से आपसे किसी ने पूछा कि भाई सबसे ज़्यादा इशू ये आता है कि जब हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा मोमेंट दिखा, जब तक हम मैनुअल सेटिंग्स डालते हैं ना जो मोमेंट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है और समझ नहीं आता कि भाई अपर्चर शटर स्पीड ISO का कॉम्बिनेशन क्या रखें। तो अब मैं आपको कॉम्बिनेशन के लिए एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दिखाता हूँ जहाँ पे आपको पता लगेगा कि किस अप्रोच से आपको मैनुअल मोड यूज़ करना है, और अगर आप ये अप्रोच को अच्छे से यूज़ कर लो ना, आपके लिए प्रो मोड जो है वो बहुत ही ईजी बन जाएगा और आपको हेडेक नहीं लगेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब जब भी आप मैनुअल मोड यूज़ करते हो ना, आपको अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। आपके पास ऑप्शंस दो होती हैं, एपर्चर और शटर स्पीड। इसका मतलब ये, मान लेते हैं यहाँ पे एक फ्लावर है जो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, येलो कलर का है और ग्रीन लीव्स हैं आसपास, और मैं इसकी फ़ोटो लेना चाहता हूँ। अब मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है शटर स्पीड और एपर्चर में से, एपर्चर। मुझे पहले ब्लर इफेक्ट चाहिए इस फोटो में, शटर स्पीड इज सेकेंडरी और ISO तो सबसे लास्ट में आता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसमें एक्सपोजर कैसे बिल्ड करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारी शटर स्पीड भी हिली हुई है, एपर्चर भी स्पेसिफिक नहीं है, ISO भी 332 है। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली सबसे पहले जो ISO है ना उसको मैं सेलेक्ट करके सबसे पहले तो 100 पे डालता हूँ। क्यों? बिकॉज पहले हम इन दो में से अपनी प्रायोरिटी चूज करेंगे। अब मैं फ्लावर की फोटो ले रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटी है एपर्चर। अब ये लेंस 2.8 का है तो मैं फुल बेनिफिट लेते हुए f2.8 पे चले जाऊंगा। तो अब देखो मेरा एक्सपोजर स्केल तो 0 पे आ रहा है, ये बता रहा है कि भाई सही एक्सपोजर है, बट शटर स्पीड जो है वो 1/30th of a second है जो हैंड हेल्ड शेक लेके आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, टू बी ऑन अ सेफर साइड, मैं अपनी शटर स्पीड को एटलीस्ट 1/100 पे रखूंगा। तो अब क्या हो रहा है, मेरा जो फोटो है वो हल्का ऑलमोस्ट 2 stops से अंडर एक्सपोज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, शटर स्पीड है पहुंचा मैंने अपने हिसाब से डाल दिया, फिर भी मेरी जो फोटो है वो डार्क हो रही है। तो ISO जो है वो इस सिचुएशन में बढ़ाते हैं जहाँ पे कुछ भी करने को नहीं है फिर भी फोटो डार्क एंड ब्राइट हो रही है। अब यहाँ मैं अपने ISO को ले आऊँगा ऑलमोस्ट 400 के आसपास, और अब जब हम फोटो लेंगे तो इस तरीके से मुझे करेक्ट एक्सपोजर, करेक्ट सेटिंग्स के साथ, सही ब्लर इफेक्ट के साथ मिल जाएगा। तो ये थे 5 ऐसे सजेशन, टिप्स, ट्रिक्स, जो भी आप समझना चाहो अबाउट मैनुअल मोड, जो मैंने पिछले कुछ सालों में सीखे हैं, अप्लाई करें, और कहीं ना कहीं जब मैं फोटो खींचता हूँ मैनुअल मोड में तो मुझे ये जो स्टेप्स हैं ना कहीं हेल्प करते हैं अपने प्रोसेस को फास्ट करने के लिए और एक्सपोजर एकदम करेक्ट और फोकस करेक्ट करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी। एक काम करना, इस चैनल पे बहुत जल्दी 1 million पूरे होने वाले हैं, सो अगर आप इस चैनल पे नए हो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यूजली बोलता नहीं हूँ, बट इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन यू कैन जॉइन, और इस तरह की वीडियोज़ आगे आती रहेंगी। फॉर दैट कीप वॉचिंग दिस चैनल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।